केंद्र की मोदी सरकार के शासनकाल में बैंकों के साथ फ्रॉड के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या जैसे कई नाम बैंकों का पैसा लेकर विदेश में आराम कर रहे हैं। इन लोगों ने कई बैंकों से कर्ज लिया और देश छोड़कर भाग गए और अब बैंक फ्रॉड का एक मामला महाराष्ट्र में भी सामने आया है, लेकिन इस बार इसकी चपेट में वो लोग ज्यादा आए हैं जिनका इस बैंक में खाता है। इन्हें उस गुनाह की सजा मिल रही है जो इन्होंने किया ही नहीं। चुनावी मौसम में इस घोटाले ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है, तो क्या है मामला और क्यों परेशान है बीजेपी, इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, चारों तरफ चुनाव प्रचार का शोर मचा हुआ है। शोर बीजेपी कार्यालय में भी सुना जा रहा है। मुंबई में नरीमन पॉइंट पर बने बीजेपी कार्यालय के बाहर लोगों की जबरदस्त भीड़ है। खबर थी कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यहां आ रही हैं और वो आई भी। सीतारमण के बीजेपी कार्यालय में आने की खबर सुनते ही कई लोग भी यहां पहुंच गए और जोरदार नारेबाजी करना शुरू कर दिया, लेकिन यहां नारे पार्टी के पक्ष में कम और खिलाफ ज्यादा सुनाई दे रहे थे। नारे लगाते अधिकांश लोगों का किसी विरोधी पार्टी से कोई संबंध नहीं था, फिर भी लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इनकी समस्या दूसरी है, लोगों की आंखों में आंसू, चेहरे पर गुस्सा और बेबसी की झलक देखी जा सकती है। ये बेबसी है अपने उस पैसे को वापस पाने की जो उन्होंने पाई पाई जोड़कर पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में जमा कराया था। सरकार और RBI को लेकर लोगों का कहना था कि हमें नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, हमें इस बात की परवाह नहीं है कि वो क्या करेंगे, हमें हमारा पैसा वापस चाहिए। हमने बैंकों में जो भी पैसा जमा कराया है उसे दोबारा कभी नहीं कमा पाएंगे। जब शोर की गूंज बीजेपी नेताओं के साथ बैठक कर रही वित्त मंत्री तक पहुँची तो उन्हें सामने आना ही पड़ा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्त मंत्रालय का इससे कोई लेना देना नहीं है, सीधे RBI इसे रेगुलेट करता है। मेरी तरफ से मैंने अपने मंत्रालय के सचिवों को ग्रामीण विकास मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय के साथ काम करने के लिए कहा है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या हो रहा है। कमियों को समझने के लिए RBI के प्रतिनिधि भी होंगे जो पता करेंगे कि क्या हुआ। अगर आवश्यक हो तो उन तरीकों को देखें जिनमें संबंधित अधिनियमों में संशोधन करना होगा। अगर संशोधन के जरिए हमें भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में मदद मिलती है तो उन्हें रेगुलेट करने में हमारी मदद करें, नियामक को बेहतर बनाने में हमारी मदद करें। वित्त मंत्री ने परेशान लोगों को सीधे सीधे कोई आश्वासन नहीं दिया, यानी लोगों की परेशानी का समाधान फिलहाल सरकार के पास नहीं है। PNC बैंक घोटाला सामने आने के बाद से ही RBI द्वारा इस बैंक पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। पहले RBI ने बैंक से 6 महीने में खातेदारों को सिर्फ 1,000 रुपए निकालने की अनुमति दी थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया, लेकिन इससे लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही है और लोगों का गुस्सा बीजेपी कार्यालय पर आज देखा गया। DB Live की रिपोर्ट।